इस वीडियो में हम विंडोज की का क्या क्या यूज है वो जानेंगे, साथ ही साथ इसे किस तरह से यूज करके हम अपने काम को और भी सरल बना सकते हैं वो जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो विंडोज की का सबसे पहला यूज है स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना। अगर आप विंडोज की को दबाते हैं तो देखिए ये स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया है, ये तो सबको पता होगा। अगला जो विंडोज की का यूज है वो है कि अगर आपके सिस्टम के टास्क मैनेजर में, ये आपका टास्क मैनेजर है, ये जो व्हाइट पट्टी है ये आपका टास्क मैनेजर है, इसमें जितने भी एप्लीकेशन हैं, ये सारे जो एप्लीकेशन हैं, कोई भी जैसे प्रोग्राम है, ये सारे यहाँ पे जो पिन है उसे आप बिना माउस को यूज किए विंडोज की मदद से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि नोटपैड फर्स्ट नंबर पे है, फाइल एक्सप्लोरर दूसरे नंबर पे है, एक्सेल जो है थर्ड नंबर पे है, ये सारा जो काउंटिंग है इसे आप बस विंडोज की मदद से ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट हमें नोटपैड ओपन करना है तो सिंपली विंडोज प्लस वन को दबाएंगे तो ये देखिए नोटपैड ओपन हो गया है। सेकेंड नंबर वाले पे दबाएंगे विंडोज की प्लस टू तो देखिए ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया है। थर्ड में एक्सेल है तो विंडोज प्लस थ्री को दबाएंगे तो एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। इसी तरह से सीरियल वाइज जितने भी हैं उसे आप नंबरिंग वाइज ओपन कर सकते हैं, विंडोज की प्लस जितने नंबर पे वो है उतना नंबर को दबाएंगे। अगला विंडोज की का यूज ये है कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे कोई भी वर्क कर रहे हैं और सडनली कोई आ गया और आप अपने काम को हाइड करना चाहते हैं जिससे आपकी गोपनीयता बरकरार रहे, तो इसके लिए एक विंडोज की का शॉर्टकट की है, विंडोज प्लस एल को दबाइए जिससे आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी और कोई भी आपका काम नहीं देख पाएगा। अगला जो विंडोज की का यूज है वो ये है कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे कुछ वर्क कर रहे हैं और उस विंडो को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे या फिर मिनिमाइज मैक्सिमाइज वगैरह करना चाहते हैं तो आप उस विंडो के ऊपर जाते होंगे और यहाँ से आप इसे पकड़ के लेफ्ट राइट अप डाउन, यहाँ से आप मिनिमाइज और यहाँ से आप मैक्सिमाइज करते होंगे यहाँ से। लेकिन अब ये सारे काम आप विंडोज की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले इसे हम देखिए छोटा कर लिए हैं, यहाँ से आप सिंपली विंडोज की को दबाएंगे और लेफ्ट एरो को दबाएंगे तो देखिए ये पूरा लेफ्ट में आ गया। फिर इसी तरह से विंडोज की को दबाएंगे और राइट एरो को दबाएंगे तो देखिए ये राइट में आ गया। फिर अगर इसे मैक्सिमाइज करना है तो विंडोज की प्लस अप एरो को दबाएंगे तो ये मैक्सिमाइज हो गया। फिर इसे विंडोज की प्लस डाउन एरो को दबाएंगे तो ये मिनिमाइज हो गया। सिंपली आप इस विंडोज को विंडो की प्लस लेफ्ट एरो राइट एरो अप एरो डाउन एरो की मदद से लेफ्ट राइट अप डाउन ये सब कर पाएंगे। अगला जो विंडोज की का यूज है वो ये है कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे बहुत सारे विंडोज को ओपन कर लिए हैं और उन सभी को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप विंडोज की मदद से इसे एक सेकेंड में कर पाएंगे। इसके लिए आपको विंडोज प्लस डी को दबाना होगा तो ये सारे मिनिमाइज हो जाएंगे। तो चलिए हम विंडोज प्लस डी को दबाते हैं तो देखिए ये जितने भी विंडोज ओपन थे ये सारे मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर आप इन सब विंडोज को फिर से स्क्रीन पे लाना चाहते हैं तो फिर से आप विंडोज प्लस डी को दबाइए, ये सारे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। अगला जो विंडो की है वो है विंडोज प्लस ई। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर की फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इसके भीतर जाकर इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम विंडोज प्लस ई को दबाएंगे तो देखिए ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया है। अगला जो विंडोज की का यूज है वो ये है कि अगर आपको देखना है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सा एप्लीकेशन या टास्क ओपन है और इसे आप एक साथ अपने स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो सिंपली विंडोज प्लस टैब बटन को दबाइए और आपके सामने वो सारा आपको दिख जाएगा, जो जो भी एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखी है वो सारा आपको एक डिस्प्ले में दिख जाएगा। तो ये सब आप विंडोज की मदद से कर पाएंगे। अगला जो विंडोज की का यूज है वो है विंडोज की प्लस आर, जो कि रन मोड ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसकी मदद से आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं इस रन मोड को यूज करके। इसके लिए आपको विंडोज की प्लस आर को दबाना है
और यहाँ से आप टाइप करके उस सॉफ्टवेयर पर जा सकते हैं जहां पे आपको जाना है। जैसे हम जैसे मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है, उसके लिए विन वर्ड को यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे सिर्फ ओके पे प्रेस करेंगे, तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका ओपन हो गया है। अगला जो विंडोज की का यूज है वो ये है कि अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पे मैग्नीफाई या फिर जूम करना चाहते हैं तो ये आप विंडोज की मदद से बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको विंडोज की प्लस प्लस वाले आइकन को दबाना होगा। तो ये देखिए मैग्नीफायर का ऑप्शन इनेबल हो गया है। आप अपने कर्सर को जहां भी रखेंगे, जैसे हमें यहाँ पे जूम करना है तो सिंपली विंडोज प्लस प्लस वाले आइकन को दबाते रहिए, ये जूम होते रहेगा। फिर अगर रिवर्स करना है तो उसके लिए विंडोज की प्लस माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। अगर हमें यहाँ फेसबुक वाले आइकन को जूम करना है तो विंडोज प्लस प्लस की को दबाते जाएंगे, ये जूम होगा। फिर अगर रिवर्स करना है, जूम आउट करना है, तो विंडोज की प्लस माइनस वाले आइकन पे दबाएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि विंडोज की का क्या क्या यूज है, इसे किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो इसी तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर पहुंच पाए। मिलते हैं इसी तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।